बांग्लादेश के मौजूदा कैप्टन साकिब अल हसन ने अपना रिटायरमेंट प्लान दे दिया है। उनका कहना था कि वो 2024 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20, वो T20 जो है वो 2024 के वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, और जो वनडे इंटरनेशनल उनका जो कैरियर है वो 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो खेलकर रिटायरमेंट ले लेंगे वनडे में, और टेस्ट क्रिकेट जो है वो हो सकता है 2023 के अंदर ही खेलना छोड़ दें, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। जबकि उनका कहना था कि उनकी जो कप्तानी है वो वर्ल्ड कप की हद तक है, वर्ल्ड कप में वो अपनी टीम की कप्तानी करेंगे, जिसके बाद वो अपनी कप्तानी जो है वो भी छोड़ देंगे। साकिब अल हसन ने हालिया अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं, और जो टेस्ट क्रिकेट है वो 2023 में ही इससे रिटायरमेंट ले लेंगे टेस्ट क्रिकेट से, जबकि ओडीआई से जो है वो रिटायरमेंट 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के बाद ले लेंगे, और T20 से जो रिटायरमेंट है वो उनकी 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। साकिब अल हसन जो है उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान दे दिया है।